मन पा गई मन पाया हरा इस पुण्य वट पागरी मन पाया हरा निरसैया मंगल गावी निरसैया मंगल गावी इस घर में शुकराना मुख जिस किसी नु भी प्राप्ति होई उन्हें सीधा आप नु पेश नहीं किया नाल मेलनहारा खड़ा किया यदि मैं तो कुछ नहीं कृपा इन्हों की फगुण का महीना पुगण का महीना और जो भी कोई पुगया उसने नाल शुकराना किया जी मैं अपने आप नहीं पुगया मेरा प्रेम किया अपने आप परवान नहीं चढ़िया क्यों मैनू इतनी अकल कि जात किसी की सिखाई हुई है वो कौन है भाई उन्होंने ही बुला अस संत सहाई राम राम जी मेरे संत सहायक हुए संतां दी सहायता हुई है संतां ने मेरी सहायता की है कौन संत जी दी संगत नाल चित आवे श्रीवा क्योंकि लगदा एक ही सब तो पहली जमात पहला महीना चेत्र का चेत गोविंद आराधिए होवे अनद घना जो वचन किया ना भी तू गोविंद नु आराध तैनू घना आनंद होवेगा उस आनंद का जिक्र फिर इस बारहवें महीने भी किया है फलगुन अनद उपार चेत महीने ताकीद की जपन दी नाल आख्या भी कला ना जपी तो इतों जपया नहीं जा इस वास्ते नाल संगत करी जपन वालियां दी चेत गोविंद आराधिए होवे अनद घना संत जना मिल पाई ये जिन्हें भी पाया है संत जना नाल मिल के पाया पावन वालियां दी संगत होई है पावन वालियां दी संगत कीती है उन्हां दी बरकत नाल उन्हां दी कृपा नाल उन्हां दी नजर नाल जिस भी पाया है पाया बिना उन्हां दी संगत तो किसे नहीं पाया इस वास्ते तू भी संगत करी संगत दे विच वसी साध संगत के संग वसे वट भागी पाए जो संगत नाल वसेगा वट भागी कोई वाहिरू दी प्राप्ति उसे नू होवे फलगुण अनद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए क्यों भाई अपने आप पाले नहीं जी संत सहाई राम किसी की सहायता ना पाया किसी की कृपा हुई है संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए मेरे उत्ते कृपा करके मैनू मिले नहीं तो मैं तो किसी गल जोगा नहीं अपनी निम्रता उवें बरकरार रखी ये नहीं आखिया भी मैं सवेरे उठता था जी मैं जी बड़ा नाम जपया मैं बड़े जगराते किए हैं मैं बड़े वर्त रखे हैं ता कि प्राप्ति हुई है एवें थोड़ा हो गई है नहीं इको गल मुकाई है भी संतां की कृपा नाल ये कृपा हुई है नहीं तो मैं तो किसी गल जोगा नहीं सर कृपा दिया मिलाए कृपा करके उन्हां दी कृपा नाल किड्डा एहसानमंद है कितने शुक्र विच है ये घर गुरु नानक दा इस घर तो बाहर चले जाओ तो सानू यही पता लगेगा मैं आ कुछ किया मैं आ कुछ किया इतने सब कुछ करके भी फिर निम्रता विच मैं कुछ नहीं किया ना हम किया ना करते ना मैं कुछ किया ना मैं कर करन जोगा हाँ ये तो जो कृपा हुई है किसी के सदके हुई है ना कुछ हम हंस के सीखे हैं
ना कुछ हम रो के सीखे, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं, ये जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे। भाई साहब नंदलाल जिस वेले कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दी शरण आए, बड़ी लंबी साखी है, लगन तो बचपन तो लगी हुई थी, क्योंकि कर्म कोई वड़े कीते हुए तन पिछले युग दे, पिछले जन्म दी कोई भारी तपस्या थी, जिस करके किते मन नहीं सी मनदा और किते गए नहीं सन। सन बड़े विद्वान, बड़े पंडित, बड़े आलम फाजल, बादशाह दे पुत्र नू पढ़ांदे सन। इस बारी बादशाह दा पुत्र आया, उसने आखिया जी अज बादशाह दे दरबार विच एक मसला पैदा हो गया, पर किसे नू हल करना आया नहीं। भाई साहब ने पूछा केड़ा मसला, जा उन्हें दसिया तां भाई साहब ने आखिया इसका मतलब तां यह है। अगले दिन फिर जिस वेले बादशाह दी महफल लगी, सारे दरबारी इकट्ठे होए, कल वाला मसला फिर छिड़िया, किसी नूं जवाब न आया, तो बादशाह दे पुत्र ने उसे आखिया जी ये तो गल मामूली है। बादशाह ने आखिया तैनू पता है, उन्हें आखिया हां। फिर दस जा उन्हें दसिया तो सारे हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा तैनू पता कितों लगा, उन्हें आखिया मैनू मेरे पढ़ाने वाले ने दसिया, नंद लाल ने। जिहड़े सच्चे सन वह तो प्रसन्न हुए, पर जिहड़े झूठे सन वह जल गए। हुण नंद लाल की कड़ी कला होगी, असी पिछा रह जावांगे। तो उन्होंने बादशाह दे कन्न भरे कि फिर ऐसा समझदार, ऐसा विद्वान बंदा कि काफर क्यों होवे, इसनू मोमन किया जाए, इनू मुसलमान बनाया जाए। बादशाह ने कहा बहुत अच्छा, कल सभा विच सद के गल करांगे। जिस वेले शहजादा पढ़न वास्ते आया तो बड़ा उदास, भाई साहब ने पूछा क्यों उदास है, उन्हें सारी गल दसी कि मैं जिस वेले वो तुहाडा जवाब पेश किया ते मूहों तो सभना दे वाह वाह निकली, बादशाह भी बड़ा खुश होया, पर नाल ही कई ने कन्न भरे तो ऐसा विद्वान, ऐसा पंडित, एडा आलम फाजिल बंदा काफर ना रहे, इसनू मुसलमान किया जाए। जी कल तुहाडे ते फतवा लगेगा, तुसी मुसलमान बनाए जाओ। भाई साहब ने आखिया ये गल तो चंगी ना, कोई मेरी मदद कर सकना है। शहजादे नूं आखिया, उन्हें आखिया जिहड़ी आखो। कहन लगे फिर तू मैनू रात रात इतों तोर दे और मेरा किते जिक्र ना। उतों फिर राती भाई साहब तुरे, जिहड़ा सी ना नाल मुसलमान नौकर, उन्होंने जिस वेले छड़न लगे तो वह रो पिया, उन्हें पैर फड़ लए, उन्हें आखिया तू मेरा मुर्शद है, तू मेरा महापुरुष है, मैं तैनू रब जान के पूजे है, मैनू बिछोड़ा ना दे, मैनू नाल ले। भाई साहब नू तरस आ गया, चंगा चल भाई। ये फिर मुसलमान नौकर भाई साहब का, जिस मन अंदर भाई साहब की बड़ी श्रद्धा थी, ये भी नाल चलिया। भाई साहब चलते 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 मुल्तान पहुंचे, इसे फिर सिफतां सुनिया कलगीधर पातशाह दियां, ते मन में आखदा सुनदा ते बड़ा कुछ हां, पर वेखा तो पता लगे। ते जिस दिन फिर भाई साहब ने दिखा, जैसा सतगुर सुनीदा वैसो ही मैं दीख, उस वेले भाई साहब ने कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के चरण पकड़ सजदा किया, मत्था टेकिया। उस मुसलमान नौकर नूं जिहड़ा नाल आया सी, उन्हें आखिया टेक ओए मत्था, रल बैठे सामने। उसने कलगीधर पातशाह की बड़ी सवाद, कितनी संगत बैठी सी, मत्था टेकिया नंद लाल नूं, कहन लगा मेरा रब तां तू। नंद लाल नूं गुस्सा आया, एडी बेअदबी, एडी गुस्ताखी, मेरे बादशाह दे सामने तू मैनू मत्था टेक रहे हैं। सहमत कराए ते हसे,
कहने लगे नंद लाल उन्हें ठीक आखे, उन्हें तेरे विच सही किया, उन्हें तेरे विच दिखा कि तेरे विच कौन बैठा है। नंद लाल भाई साहब कहने लगे तू फिर की फर्क पैंदा, फर्क ता पैंदा जी वो तेरे पैरी पवे ते तू उसनू विछोड़ के किते होर ते तुते। जहाज नाल बेड़ी बधी है ते बेड़ी विच जिहड़ा बंदा बैठा है वह भी तो जहाज के मगर ही जा रहा। हाँ जे बेड़ी का रस्ता टुट जाए तो विछड़ जाए। दो गल्लां बंदा ना करे, एक रस्ते ना कट टुटे किसी वेले, एक जान के समुद्र में छाल ना मार दे ते फिर जहाज नाल बेड़ी बधी होवे ते विच कोई भी बैठा होवे वो जैसे जहाज वाले पार उतरणगे वैसा वो बेड़ी वाला भी पार पहुंचेगा। सतसंग बोलो श्री साहब। बड़े प्रसन्न हुए, उस मुसलमान नौकर नू बड़े फापड़े दिते, बड़ी बख्शिश की थी सतसंग, गुस्सा नहीं मनिया भी तू नंद लाल नू पूजिया ते मैनू नहीं आखिया। रब आखिया घर गुरु नानक दा, जे तू नंद लाल नू विचोला खड़ा करके आखिर मेरे तक ही पहुंचनी, क्योंकि नंद लाल जो मेरे तक पहुंचा जिमें बाबा जी नू हजूर साहब हिदायत होई जाओ महापुरखां दा दर्शन करो, क्योंकि साड़ी मर्यादा है कि संत सहाई राम के उन्हां दी सहायता नाल हो। मिलता पहिना पए दर्शन भी दिते, ठंड भी पा दिती, निहाल भी कर दिता, पर नाल आखिया मर्यादा विच चलो, साड़ी मर्यादा यह है महापुरख दा पल्ला पकड़। बाबा जी ने चरण फड़ के पूछा जी जिसे ये दसिया जे भी महापुरुख का पल्ला पड़ो नाल ये भी क्या दसो वो महापुरुष केड़ा है किथे बैठा है। तो कलगीधर पातशाह ने फिर रूप बटाया बाबे बधावा तेरा, जाओ लहरे विच इस रूप का महापुरुख रहिंदा है, पहला हो गई है पर मर्यादा पूरी करनी है। किसे मन लिया भी तू मेरा पति है पर हुण मर्यादा है भी व्याह होवे, बिरादरी सदी जाए, जां कानूनी होवे जां मजलसी होवे, कोई मर्यादा तो पूरी करनी पवेगी ना। दासन बोलो श्री। तो इसे तरह दर्शन पा के दीदारे करके ते फिर हुण मर्यादा पूरी करन चले हन, क्योंकि जिस वेले ए पंगती आखनी पवे फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन सगते आए, ता नाल दी पंगती भी फिर संत सहाय राम। इस वास्ते उस संत नू नाल रखना, ओदी सहायता मननी है और आखना मैनू कृपा करके मिले है, नहीं तो मैं ता कुछ भी नहीं। अज बारवा महीना है, आखिरला महीना, बारह महीने जिन्हां ने हर महीना सुनिया है और महीने दे उपदेश नू पल्ले बद्धा है, ऐस महीने उन्हां दियां भावना पूर्ण होणियां, इस महीने उन्हां नू खेती दा फल मिलना, पर तां जे नाल निम्रता रहेगी शुकराने विच वसणगे। जे आ गई हो मैं तां तीर्थ बरस अरदान कर मन में डरे गुमान, नामिक नेपल जात जो कुंचर स्नान, जो हाथी दा नामना बाहर निकल खे उड़ावे। हाथी नू जिवें नवालिया बाहर निकलिया ते फिर सिर विच चुक के मिट्टी पा ले, नाता अनाता कर छड़िया। इसे तरह बंदा करदा बहुत कुछ है पर करके जिस वेले अंदर आ जावे ना मैं कीता है, ता कीते को मेरे समाने करनहार तृण जान। फिर वाहिगुरु आखदा तू करन जोगा कित्थां होया, तैनू जिथों ये लाग लगी, जिसने तेनू इस मार्ग से लाया, जिसने तेरी हर रस्ते सहायता की थी, हर वेले तेनू उंगली नाल ला के रखिया, ये वडियाई उन्हां दी है के तेरी है। इस वास्ते अपने मुंह ये गल मननी पैंदी है कि संत सहाय राम कर कृपा, वो भी कृपा करके, अपना कोई गुण जताना नहीं भाई मैं आ कीता है, मैं वो कीता है तां प्राप्ति हुई है, नहीं कर कृपा दिया मिलाए ते जिस वेले मिलाया हुण हुण सहज सुहावी सर्व सुख सहजा मेरी सहणी हो गई। सहज सुहावी सर्व सुख, कोई सुख बाकी ना रहा जो प्राप्त नहीं, हुण दुखां ना ही जाए, दुखां दी थां ही ना रही,
क्योंकि जब मिल गया मिलाप हो गया इस उपर होर सुख केड़ा सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए वर पाया इच पुन्नी वड भागनी वर पाया हर राय हुण सईयां नूं सद्या आओ भई सतसंगियो प्यारे हो गुरु के दुलारे हो आओ गीत गाओ मेरा सौ मेरी तेजा ते आया हुण मिल सईयां मंगल गावही गीत गोविंद आलाए गुण गाउण लगियां सो वाहिगुरु दे ते गुणा चो वड्डा गुण केड़ा है एक गुण सब तो वड्डा है ते हर जेहा अवर न बिसरै व्या करके पुछदी है ना सहेलियां नूं तैनू कियो जिहा लग्या तैनू कियो जिहा लग्या तू जो वेख्या तू मैनू दस तैनू किवें लग्या तो सईयां ने आखिया सानू सारियां नूं इस तरह लग्या जिवें इस जैसा होर कोई है ही नहीं हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए कोई इसकी बराबरी करन जोगा है ही कोई इसे लवे लगन वाला नहीं किसे नूं आखिए फलाने वर्गा है या फलाना एदे वर्गा है नहीं इस वर्गा ए आप जिवें साहिब ने आखिया तू तो जेवड़ तू है पार दिव हे पारब्रह्म तेरे वर्गा तू आप है तुद जेवड़ तू है पारब्रह्म नानक शरण आई तो मिल सईयां मंगल गावई गीत गोविंद आलाए हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए इस जैसा क्यों कोई होर नहीं इस वास्ते नहीं कि जेदी समर्था इसकी है किसे होर दी है ही नहीं इसी एक नजर नाल हलत पलत सवर दे हलत पलत सवारियन ने चले दितियन जाए संसार सागर से रखियन पर ए सब बख्शीशां इस बारहवें महीने दिया इस अखीरली जमात विच आके हन ये डिग्रियां मिल रही हैं सत्संग हलत पलत सवारियन ने चल दितियन जाए संसार सागर ते रखेन बौर न जनमे ताए जेबा एक अनेक गुण जवान एक है कितने गुण बयान करिए क्योंकि गुण हन अनेक तरे नानक चरणी पाए ओ सगले तरे जो इस साई दी शरण आ गए इस वास्ते वही फलगुण चिड़िया है ते नित फैलाइए फलगुण महीने प्रथाएं साहब ताकीद कर रहे हैं वही नित सलाइए ऐसे सिरजनहार नू ऐसे साई नू ऐसे सुखदाते नू नित नित सलाइए फलगुण नित सलाइए जिसनू तिल ना कमाए जिसनू कोई किसे दा तिल मात्र भी तमा नहीं जो केवल रीझदा है किसे दे प्यार से ते ए प्यार किवें प्राप्त हुंदा है ये वही संतां दी गुरमुखां दी महापुरखां दी रब वालियां दी कृपा होवे ते फिर इस बंदे नूं सोझी पैंदी है दासिंग बोलो श्री हुण शुकराने विच नेत्र भर के अपने तेजा वल तकदी है कदे आप नूं वेखदी है कदे अपने साईं नूं वेख के निहाल हो के कहिंदी है मेरी खेजड़ी है
ਰਾਤੀ ਪੁਨਰ।